नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। भारत में नीति आयोग यानी योजना आयोग, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को, ऑप्शन नंबर सी सही है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा को, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार कितनी है? 121.02 करोड़, ऑप्शन नंबर सी सही है। 121 करोड़, अभी वर्तमान में 140 करोड़ लगभग चल गया है। वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? बिहार में साक्षरता यानी पढ़े लिखे आदमी कितनी है? तो 73.39, ऑप्शन नंबर खो सही है। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ? बाईस मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ, यानी कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी सही है।